हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं। अब जो T20 ब्लास्ट का तीसरा मैच खेला जाएगा नॉर्थम्पटनशायर और लिस्टरशायर के बीच में जो मैच खेला जाना है, इसकी मैं वीडियो यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो बने रही हमारी टीम के साथ, स्पेशली वो भाई लोग जो टीम प्रीव्यू देख के बाहर जाना चाहते हो तो उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो बने रहें, ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर, क्योंकि फ्रेंड मैं यहाँ पर टीम जो स्टार्टिंग में पहले आपको टीम प्रीव्यू दिखा दिया करूँगा ताकि आपको वीडियो स्किप करके ज़्यादा आगे ना जाना पड़े, तो यहीं पर आपको टीम प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इससे पहले फ्रेंड, अगर आपने हमारी ऊपर की वीडियो अगर अब तक नहीं देखी हो KPL की और जो T20 ब्लास्ट के दो मैचेस में यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, अगर ये वीडियो नहीं देखी तो हमारी वीडियो में जाकर इन वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरे मैच की जो खेला जाएगा। बाकी फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक से थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस आता है एक टीम बनाने के लिए और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मैचेस सारे मैचेस वीडियो देने में थोड़ी हेल्प मिलती है आपके लाइक से। हमें पता चलता है कि हमारी जो मेहनत है वो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। टीम मैंने बना रखी है, मैं आपको टीम का प्रीव्यू डायरेक्टली पहले दिखा देता हूँ कि क्या रहने वाला है टीम का प्रीव्यू। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारे टीम का प्रीव्यू। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने टीम बना रखी है जो मुझे बेस्ट लगती है, काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे टीम पर्सनली। बाकी अगर आप लोग थोड़ा चेंजेस करके बनाना चाहो तो बना सकते हो, एक या दो चेंजेस करके जो मुझे बेस्ट लगा मैंने यहाँ पर बता दिया। विकेट कीपर में दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तीन अवेलेबल हैं, हिल भी हैं बट मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। स्विंडल सा और यहाँ पर रॉशिंगटन के साथ जा रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हो हिल को भी आप यहाँ पर रख सकते हो, बट हिल को रखने के बाद यहाँ पर टीम बैलेंस नहीं बन पाएगी क्योंकि यहाँ पर आपको किसी ऑलराउंडर को यहाँ से कम करके हिल को रखना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। काफ़ी जो ऑलराउंडर है जो काफ़ी अच्छे यहाँ पे ऑप्शन मुझे लग रहे हैं। रॉशिंगटन और स्विंडल्स को रखा वहाँ पे, मार्क कास्ग्रोव को रखा, उसके बाद यहाँ पे एलेक्स वीकली है, उसके बाद यहाँ पे रॉब क्यूब है, उसके बाद यहाँ पे कॉलिंग अकरमैन ऑलराउंडर में और डेवन पीटर्स हैं, जोसुआ कॉब है। डेवन पीटर्स को रखने का फ्रेंड, ये थोड़ा लेट तो आते हैं बट ये हिटिंग बहुत तगड़ी करते हैं। अगर मान लीजिए 16 या 17 ओवर में इनकी अगर बैटिंग आ गई, ऐसा तो नहीं होगा बट क्योंकि इनकी बैटिंग जो है थोड़ी पहले आने वाली है, क्योंकि जो ओपनिंग से इनकी कुछ खास नहीं है, ओपनिंग कुछ अच्छा परफॉर्म खास नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी बैटिंग तो आनी तय है जल्दी, तो यहाँ पे अच्छी खासी हिटिंग ये लोग कर सकते हैं। और बाकी उसके बाद डेवन पीटर्स आजकल ओवर भी करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक या दो ओवर आई थिंक करा रहे हैं यहाँ पे अब, पहले ये बीच में ओवर नहीं कर रहे तो इस वजह से मैं इनको नहीं रख रहा था, अभी ओवर भी कर रहे हैं तो इसलिए इनको रखना जरूरी बन गया, क्योंकि हो सकता है पहले ओवर में इनको विकेट मिल जाए और इनको दूसरा ओवर करने का चांस मिल जाए अगर पहले ओवर में ना पिटे तो ये चीज़ हो जाती है क्रिकेट के बीच में, सब चीज़ें हो जाती है। अगर किसी को चांस मिलता है अगर वो विकेट ले जाए पहले ओवर में और 5 से 7 रन देके गया तो उसका अगला ओवर कंफर्म हो जाता, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे डेविन पीटर्स को रखा हुआ है। बाकी बात करें बॉलर्स, मैंने डेविस को रखा हुआ है, उसके बाद एरन लिली को रखा है और तीसरे मेरे यहाँ पे जो बेन सैंडरसन रहने वाले, क्योंकि लास्ट मैच इनको काफ़ी मार पड़े, बहुत लोग कम इनको कम रखने वाले हैं बट ये प्लेयर इतने बेकार नहीं है, प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड ये रहेगी हमारी हेड टू हेड 3 मेंबर लीग के 11 प्लेयर। अगर आपको हमारी टीम पसंद आती है, आपको सेटिस्फाइड हो इस टीम से कि टीम विनिंग टीम हो सकती है तो ही इस टीम से जाए, अदरवाइज अपना आपको एक या दो चेंजेस कर लेने हैं। तो चलिए फ्रेंड, आधे लोगों का काम हो गया खत्म, टीम प्रीव्यू आपको दे चुका हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बाहर जाना। बाकी जो लोग सजेशन लेना चाहते थे, अपनी विनिंग को थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपनी टीम खुद से बनाना सीखना चाहते हैं, तो वो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को बिना स्किप करके देखना, मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने विकेट कीपर में आपको बताया, यहाँ पर 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, हिल भी हैं, तो बट आप रखना चाहते हो रख सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करने वाला हेड 3 मेंबर लीग में। अब बात कर लेते हैं बैट्समैन में, वीकली हैं, कास्ग्रोव हैं, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास बेस्ट है रिचर्ड डेवी, बहुत तेज हिटिंग करते हैं फ्रेंड, स्टार्टिंग से ही ओपनिंग ही आते हैं, ओपनिंग से बहुत तेज खेलना चालू करते हैं, अगर इस तेजी में अगर खेल गए तो यहाँ पर 50+ स्कोर यहाँ पर ये इजीली कर जाएंगे। नॉर्थम्पटनशायर में ये मैच खेला जाएगा, न्यूट्रल विकेट है, ये समझिए कि मिडिल ऑर्डर में यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर बन सकता है। मिडिल ऑर्डर में ये मान लीजिए अगर मिडिल ऑर्डर में कम से कम 100 रन के आसपास यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में बनने की उम्मीद होती है इस पिच पे। बाकी ओपनिंग पे अगर आप रखना चाहते हो रिचर्ड डेवी को रख सकते हो, बट मैं नहीं रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेडन को रखना चाहते हो, इनको रख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, मिडिल ऑर्डर में आते हैं थोड़ा खेलने के लिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करने वाला क्योंकि कुछ खेलने वाले नहीं है, अगर खेलते भी हैं तो भी मैं इनको किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप लोग रखना चाहते हो तो रख सकते हो अपने रिस्क पे, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये मेरे बैट्समैन, बाकी अब बात करते हैं ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर में जो 3 बेस्ट लगे हो मैंने रख लिया, मैंने आपको जैसे प्रीव्यू में दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास केवल एक फहीम अशरफ के अलावा, यहाँ पर फहीम अशरफ और पार्किंसन दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, इनको रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट मैं नहीं रखने वाला। बाकी जो मुझे बेस्ट लगे हो मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। बाकी अब बात कर ले बॉलर्स की, बॉलर्स में काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास अवेलेबल, अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो।
बाकी जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रख लिए, बट थोड़ा रिस्क लेके मैंने बॉलर रखे हुए हैं। अगर आप रखना चाहते हो, रिस्क एक ही है सैंडरसन पे, अगर आप उनको रखना चाहते हो रख सकते हो, अगर उनकी जगह पे लास्ट मैच के हीरो ग्रिफ्थ को भी रख सकते हो, रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट मैं नहीं रखने वाला क्योंकि इनको जितनी विकेट मिली थी मेरे हिसाब से मिल चुकी हैं इस मैच में, मे भी ना कोई भी विकेट ना मिले। बाकी आपको रखना रख सकते हो क्योंकि आपकी मर्जी है, आपकी टीम है, आपका पैसा है, हमारा खाली सजेशन है, हम खाली आपको टीम्स प्रोवाइड करते हैं और आपको बता सकते हैं कि किस तरह की टीम्स आपको क्रिएट करनी है। तो जिस हिसाब से पिच है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर बॉलर्स बैट्समैन सबको ट्राई किया हुआ है, हो सकता है हमारी विनिंग टीम हो। अगर आप इस टीम के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी फ्रेंड अगर आप लोग प्लेयर स्पॉट में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, रजिस्टर कर लीजिए और वेरीफाई जरूर करना क्योंकि अगर आप वेरीफाई करके पहले रख लोगे तो आपको विड्रॉल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे विड्रॉल में आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप विड्रॉल लगाओगे तुरंत आपके पेटीएम अकाउंट में आ जाएगा। तो बॉलर्स मैंने यहाँ पे एरोन लिली को रखा हुआ है, दूसरे यहाँ पे सैंडरसन को रखा हुआ है, डब्लू डेविस को रखा हुआ है। बाकी अब यहाँ पे ऑप्शन ग्रीम व्हाइट आपके पास, ये तीनों अच्छा खासा ऑप्शन अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, ये दोनों खेला है प्रोटेक्टर अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है फ्रेंड, तो सैंडरसन की जगह पॉटर को रख लीजिए। लास्ट मैच में बॉलिंग पर लेट जरूर आए थे मगर बॉलर अच्छे हैं, हो सकता है इस मैच में ओपनिंग कर दे, जैसे सैंडरसन पिट रहे हैं लगातार मैचेस में पिट रहे हैं, तो इनकी जगह पर प्रोटेक्टर यहाँ पर जो है बॉलिंग कर सकते हैं ओपनिंग में। तो देखना होगा क्या होता है मैच में, अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, बाकी मैं सैंडरसन के साथ जाऊँगा। बाकी टॉस के बाद देखते हैं क्या होता है, टॉस के बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है वो सब चीज़ पता चलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर अब तक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ आपको अपडेट टीम्स हमारी वहाँ पर मिलने वाली है। तो ये थी हमारी हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम, अगर आपको हमारी टीम पसंद आती है, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, कैप्टन यहाँ पर कॉलिंग अकरमैन और वाइस कैप्टन है क्यू को बनाया हुआ है। अगर आप बनाना चाहते हैं पर रॉसिंगटन और स्विंडल्स काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा। उसके बाद यहाँ पर एलेक्स वीकली को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा डाउन आता है और इतने खास ऑप्शन भी नहीं है, तो आप अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो फ्रेंड ये रहेगी मेरी हेड टू हेड, स्पेशली हेड टू हेड बोलूँगा, थ्री मेंबर तक यूज़ कर सकते हो इसलिए इस टीम को, बाकी उससे ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इस टीम से जाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड ये थी हमारी टीम हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की, नॉर्थन शायर और लिस्टर शायर की। इसके बाद हम यहाँ पर लंका शायर और वर्सा शायर की यहाँ पर टीम देना हूँ। बाकी फ्रेंड यहाँ पर सारी टीम्स मिलेंगी हमारे चैनल पर, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का फायदा है, आप ही का फायदा होगा क्योंकि सारी टीम्स यहाँ पर आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी टीम्स हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल फ्रेंड जरूर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फायदा यही मिलेगा कि आपको टॉस टाइम पर यहाँ पर टीम्स अवेलेबल हो जाएंगे हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की। तो चलिए फ्रेंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।